वड़ा पाव खाना किसको पसंद नहीं होता। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल जाए तो बात ही कुछ और है। आज हम वड़ा पाव की पूरी रेसिपी बनाएंगे और साथ ही में तीन अलग अलग प्रकार के वड़ा पाव भी बनाएंगे, जिसमें चटपटी ग्रीन चटनी, रेड स्पाइसी चटनी, वड़ा पाव की स्पेशल लहसुन की ड्राई चटनी और वड़ा बनाएंगे। और वड़ा पाव में हम मुंबई स्पेशल चटपटा वड़ा पाव, चीज ग्रिल वड़ा पाव और तवा मसाला वड़ा पाव बनाएंगे। तो ये तीनों प्रकार के वड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आइए चटपटा और मज़ेदार वड़ा पाव बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम वड़ा बनाने के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। तो राई को थोड़ा सा क्रेकल होने देते हैं। बिराई अच्छे से क्रेकल होगी तो बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए अच्छे से क्रेकल होने लगी है। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और साथ ही में डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता। उसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट। तो गैस की फ्लेम को स्लो करके हम इन सारी चीज़ों को सोते कर लेते हैं। अभी अच्छे से सोते हो गया है तो तेल में ही हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर को भी तेल में सोते कर लेते हैं ताकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आए। तो अच्छे से मिला लिया। अब हम उसमें डालेंगे 5 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। तो आलू को मैंने हाथों से हल्का सा मैश कर लिया है। तो मैश करते हुए आलू को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो चम्मच से ही अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे। तो उसके अंदर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़े से डालेंगे हम धनिया पत्ता और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमारा मसाला बनकर तैयार है। बस ये अच्छे से सोते हो गया। अब गैस को बंद करके एक बाउल में हम मसाला को ले लेते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। मसाला की भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, देखिए। अब हम वड़ा पाव के लिए स्पेशल लहसुन की ड्राई चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून जितना तेल लिया है उसमें डालेंगे हम 10 कली लहसुन की। तो बिना छिलका निकाले ही हम लहसुन को सोते करेंगे। आप चाहो तो छिलका निकाल के भी इसे सोते कर सकते हो, पर वड़ा पाव की जो चटनी है उसमें छिलके के साथ ही लहसुन को सोते किया जाता है। उसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मूंगफली के दाने। तो उसको भी हम धीमी आंच पर सोते कर लेते हैं। ये जो मूंगफली के दाने हैं वो सोते करते वक्त थोड़े से फूट भी सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप सोते कीजिए। क्योंकि तेल में हम सोते कर रहे हैं तो हल्का सा फूट सकता है। तो बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें सोते करना है। तो गैस को बंद कर दिया। अब हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून तेल। तो अभी ये सारी चीज़ गर्म है और पैन भी गर्म है तो ये अच्छे से सोते हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी। तो मिक्स कर लेते हैं। तो लाल मिर्च को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं।
तो तब तक हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए लिया है आधा कप पुदीने के पत्ते, एक कप धनिया पत्ता, आधी टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, आधी टीस्पून नमक और 4 तीखी हरी मिर्च ली है। तो इन सबको मिक्सी में एक एक करके ले लेते हैं। तो चना दाल की जगह आप सेव भी ले सकते हो या मूंगफली भी ले सकते हो, पर रोस्टेड चना दाल से कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सारी चीज़ मैंने मिक्सी के जार में ले ली। अब साथ ही में डालेंगे 3 आइस क्यूब जिससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो सारी चीज़ अच्छे से पीस के रेडी है। अब इसको एक बाउल में ले लेती हूँ। तो अब देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, हमने आइस क्यूब डाला था। तो अब बना लेते हैं लहसुन की स्पाइसी चटनी। तो मिक्सी के जार में 2 टेबलस्पून लहसुन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून हम नमक डालेंगे और 1/4 कप पानी डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से पीस कर रेडी है। कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। तो ये मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है। तो वड़ा बनाने के लिए इसके गोले बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हाथों में लेके इस तरह घुमाते हुए हम दोनों हाथों से गोला बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। तो दूसरा भी मैं करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाने हैं। तो आप चाहो तो इसे हल्का सा प्रेस करके थोड़ा चपटा भी बना सकते हो। तो सारे गोले बनकर हमारे तैयार है। तो थोड़ी बड़ी साइज के ही गोले बनाने हैं। अब वड़ा बनाने के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हींग, साथ ही में डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा बैटर हमें तैयार करना है। तो टोटल 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। तो देखिए बैटर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो हाथों से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो। तो देखिए बैटर हमारा बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये चम्मच जो है वो अच्छी तरह से कोट हो रहा है, इतना ही हमें चाहिए। ये चम्मच जो है वो अच्छी तरह से कोट हो रहा है, तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। वड़ा पाव के साथ खाने के लिए मिर्ची को फ्राई करेंगे। तो साथ मैंने मिर्ची ली है, इसके ऊपर हम कट लगा देते हैं ताकि फ्राई करते वक्त ये फूटे नहीं। तो तेल यहाँ पर मैंने गरम करने रख दिया था, तो अच्छे से गरम हो गया है। अब हम मिर्ची डाल देते हैं। तो मिर्ची फ्राई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से फ्राई कीजिए, क्योंकि जो मिर्ची है वो उड़ भी सकती है। तो अच्छे से फ्राई हो गई, देखिए अब निकाल लेते हैं। अब मसाले के जो गोले बनाए हैं वो हम बैटर में इस तरह से डिप करेंगे और तेल में डालते जाएंगे। तो जब वड़े डाले तब गैस की फ्लेम को स्लो रखें और वड़ा डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करें, तभी अच्छी तरह से वड़ा को हम फ्राई कर पाएंगे।
तो देखिए ऐसे लगे कि थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तब इसको ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से सारी साइड से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए बड़े फ्राई होके रेडी है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के बड़े भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए सारे बड़े फ्राई होके रेडी है। अब जो बैटर बचा है उसमें से हम ड्राई चटनी में डालने के लिए पकोड़े बना लेते हैं। तो इस तरह तेल में हम डालते जाएंगे। तो ये लहसुन की ड्राई चटनी में ये पकोड़े डालने से चटनी का टेस्ट और अच्छा आएगा। डालते वक्त गैस की फ्लेम को स्लो रखें और डालने के बाद गैस को हाई कर दें। तो अच्छी तरह से ये पलटते हुए हम ये पकोड़े को भी फ्राई करेंगे। देखिए अब अच्छे से फ्राई होके रेडी है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी थी वो भी एकदम ठंडी हो गई है, तो इसको हम मिक्सी के जार में ले लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे आधी टीस्पून जितना नमक और पहले हम पीस लेते हैं इसको। तो देखिए ये सारी चीज़ें पीस कर रेडी है। अब हमने जो पकौड़े बनाए थे वो थोड़े से इसमें डालेंगे, तो हाथों से ही इस तरह टुकड़े करके डालें। देखिए ये पीस कर रेडी है। अब एक बाउल में ले लेती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर। तो इस चटनी को आप 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। वड़ा, लहसुन की ड्राई चटनी, लहसुन की स्पाइसी रेड चटनी, ग्रीन चटनी, ये हमारी फ्राई की हुई मिर्च, बटर और पाव। तो तैयार है हमारी वड़ा पाव बनाने की सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट से वड़ा पाव रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है, तो पूरी तरह कट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड बटर लगाएंगे। तो बटर के ऊपर हम जो हमारी ग्रीन चटनी है वो लगा देते हैं। तो थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। उसके ऊपर लगाएंगे हमारी रेड स्पाइसी चटनी। आपको जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से आप ये स्पाइसी चटनी लगाइए। उसके ऊपर लहसुन की ड्राई चटनी थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे हमारा वड़ा और उसके ऊपर भी थोड़ी सी ये ड्राई चटनी रख देते हैं। और बस इसको ऊपर से बंद किया और तैयार हमारा वड़ा पाव। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ऊपर मैंने फ्राई की हुई मिर्ची से गार्निश किया है। तो ये तैयार है हमारा रेगुलर वड़ा पाव। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम तवा मसाला वड़ा पाव बनाएंगे या तो तवा वड़ा पाव बनाएंगे। तो उसके लिए एक तवा लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून तेल, साथ ही में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। सिर्फ बटर डालेंगे तो बटर छल सकता है, तो इसलिए हम तेल और बटर दोनों डालेंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ड्राई चटनी, थोड़ी सी लहसुन की तीखी चटनी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। तो तेल और बटर के साथ इन तीनों चटनियों को सोते कर लेते हैं। तो देखिए धीमी आंच पर ही हमें सोते करना है। तो अच्छे से सोते हो गई है। अब हम इसमें पाव को भी सोते करेंगे। तो पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो दोनों तरफ से पाव को भी हम एकदम अच्छी तरह से सोते करेंगे। देखिए ये जब चटनियाँ सोते होंगी ना तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी।
तो ये वाला वड़ा पाव भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए पाव दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसमें हम एक वड़ा रखेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा तवा मसाला वड़ा पाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये भी। अब तीसरा वड़ा पाव बना लेते हैं। तो उसके लिए पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है, तो दोनों तरफ हम बटर लगा लेते हैं। तो बटर के ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाएंगे, थोड़ी सी रेड चटनी, थोड़ी सी लहसुन की ड्राई चटनी जो कि वड़ा पाव की स्पेशल हमने बनाई है, और वड़ा रखेंगे। और इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। देखिए तो थोड़ी सी चीज़ मैंने ग्रेट करके डाल दी। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रिल मशीन लिया है, उसमें हम टोस्ट करेंगे। तो नीचे बटर लगाया है और वड़ा पाव के ऊपर भी हम बटर लगा लेते हैं और ऊपर से बंद करेंगे, पूरा बंद नहीं करना है। तो देखिए ये रेडी है हमारा तीसरे टाइप का भी वड़ा पाव, चीज़ ग्रिल वड़ा पाव। तो चटपटे टेस्ट के साथ चीज़ का लाजवाब टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए बीच में से इसे कट कर लेते हैं। देखिए तो ऊपर थोड़ी सी चीज़ और रेड चटनी से मैंने गार्निश कर लिया है। तो तैयार है हमारे तीनों प्रकार के बहुत ही मज़ेदार और चटपटे वड़ा पाव, लाजवाब टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। हमारी चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नई रेसिपीज की वीडियो रिलीज होती है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें।